सभी देखने वालों को हमारी राम राम। और आज हम जा रहे हैं अभी हमारे स्प्रे पंप लेकर अरुण भाई के खेत में, और ये हम चले अभी पुराने कच्चे रास्ते से। और अभी हमने हमारी टंकी में पानी भी नहीं भरा हुआ है क्योंकि रास्ता बहुत ख़राब है, और अगर हम हमारी स्प्रे पंप की जो टंकी है उसमें अगर पानी भर के ले जाएंगे घर से तो ट्रैक्टर हमारा आगे जो घाट है वो चढ़ ही नहीं पाएगा, इसलिए हमने अभी पानी इसमें नहीं डाले हैं, खाली टंकी को लेके जा रहे हैं और हम खेत में ले जाके नदी से भरने वाले हैं पानी। और ये हमारे मित्र अरुण भाई के खेत जाने का रास्ता देखिए कितना ख़राब है, यहीं साइड पे मडघाट पर बैठे हुए थे हम तो बहुत सी झाड़ियाँ लग रही थी हमको, बहुत ज़्यादा ख़राब रोड है इनके खेत का। और ये हम आ चुके हैं एकदम नदी के किनारे, और ये भाई साहब फंसा रहे हैं पीटीओ साफ्ट, और ये पंप से नली को फंसाते हुए क्योंकि हमको पानी भरना है नदी से। आप भर रहे हैं अभी नदी से पानी देखिए, और आज मौसम बहुत अच्छा है, धूप निकली हुई है हमारे यहाँ पर। और जगह बहुत गीली है इस कारण से हम बम्फर पर रख रहे हैं एक गोरी यूरिया, और ये बम्फर के कारण हमारी यूरिया की बोरी रखते नहीं बन रहा हमको, इधर अंदर रखेंगे तो ये जाली टूट जाएगी, इस कारण से इसको हम खोल कर अलग रख दे रहे हैं। और ये रख चुके हैं हम यूरिया की बोरी ताकि हमारा ट्रैक्टर सामने से जंप ना करे। अब रास्ता देखिए किस प्रकार का है, और इतने ख़राब रास्ते से हम खेत में दवाई स्प्रे करने के लिए जा रहे हैं। और हमारा ट्रैक्टर सामने से जंप ना हो इस कारण से हमने एक यूरिया की बोरी रख चुके हैं सामने, तो यह अच्छा दब के चल रहा है। और रास्ता तो आप देख ही सकते हो, तो बने रहिए आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक। अभी हम आपको दिखाएंगे कि हम धान में कौन कौन सी दवा लेके आए हैं, उन सभी के बारे में थोड़ी सी जानकारी। और ये है हमारे मित्र अरुण भाई के खेत जाने के लिए स्पेशल हाईवे, ये देखिए इतना साफ सुंदर रोड आपने कभी देखा नहीं होगा, ट्रैक्टर को तो मिट्टी लगी नहीं रही है, इतना अच्छा हाईवे बना है यहाँ पे, और वो इनकी मेहरबानी है। और अभी हम फाइनली दोस्तों पहुँच चुके हैं हमारा ट्रैक्टर स्प्रे पंप लेकर इधर अरुण भाई के खेत में, और ये देखिए धान कितनी अच्छी है और फूल पे है ये धान, देख सकते हो आप। और ये धान में अभी करने वाले हैं स्प्रे कीटनाशक दवा का, और इस धान की ग्रोथ देखिए आप, देखिए यहाँ से नीचे तक जहाँ तक भी आपकी नज़र जा रही है वो पूरा प्लाट इन्हीं का है, और पूरे प्लाट में धान लगी हुई है। और ये कावेरी सीड की 888 है, और हमने एक बाल्टी लेकर आए हुए हैं घर से, और उस बाल्टी में हमने घोल बना लिया है अभी, ये देखिए। और ये डाल रहे हैं उसमें 0534, इसके डालने से हमारा धान का जो दाना है, दाना जो है वो मोटा होगा, उस कारण से हम इसमें 0534 डाल रहे हैं। ये हमने 2 पैकेट का घोल बना कर इसमें डाल चुके हैं, और इसके साथ में हम कीटनाशक छींचने वाले हैं पाइमेट्रोजिन 50% WG कीटनाशक है ये देखिए, और ये 0.5 किलो का डिब्बा है। और ये डाल रहे हैं इसमें 0534, ये देखिए श्री राम का है ये NPK 0534। और ये हमने डाल चुके हैं हमारी बाल्टी में पानी लेकर यहाँ पर पाइमेट्रोजिन कीटनाशक, क्योंकि ये दानेदार हैं
तो इसको पहले पानी लेकर बाल्टी में अच्छे से घोलना पड़ेगा। अगर हम इसको टंकी में डाल देंगे पानी में तो ये नीचे जाकर जम जाएगा पूरा। ये देखिए आप, इस प्रकार से घोलना पड़ेगा इसको। और इसमें डालने वाले हैं हम इफको नैनो डीएपी 1846-0 सागरी का। और ये अभी खोल चुके हम नली, और अभी हम डालने वाले हैं इसमें चिपको। अंदाज से ही डाल रहे दे रहे हैं इसमें। और हम 500 लीटर दवाई में आधा लीटर चिपको डाल चुके हैं, और ये नली भी हमारी खुल चुकी है। और अब करना हमको स्प्रे इस वाले खेत में। और ये हो चुका हमारा स्प्रे चालू। देख सकते हो आप, धान भी कितनी बड़ी हुई है।